नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कपड़े के बचे हुए छोटे पीसों से बच्चे के लिए पांच बहुत ही उपयोगी आइटम बनाना बता रही हूँ, जो कि आपको मार्केट में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे और ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला हम बनाएंगे, उसके लिए मैंने प्लेन कपड़ा लिया है और एक बड़ा सा मैंने प्लेट लिया है। इस तरीके से प्लेट के चारों तरफ हम डॉट्स लगा लेंगे, उसका एक राउंड हो जाएगा ये। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये दो पीस में हमने लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, चार लेयर में हो गया है। अच्छे से दबाएंगे तो इस पे निशान आ जाएंगे। सेंटर में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और सेंटर से दोनों साइड में हम दो दो इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि टोटल चार, और चार लगाएंगे इस साइड में और इसको आपस में मिला करके फिर से यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। ये हो गया है। पहले हम जो बीच में हमने निशान लगाए हैं राउंड शेप में, उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसको अच्छे से घुमाते हुए बिल्कुल राउंड आना चाहिए इसको। और अब हम लगाएंगे ऊपर की साइड से सिलाई, कॉर्नर वाली। ये सिलाई लगाने के बाद बीच में से हम थोड़ा सा ओपन एरिया छोड़ेंगे, चार से पाँच इंच का। अब लेंगे हम कॉटन और इसके अंदर डाल देंगे। दरअसल ये हम बना रहे हैं बेबी पिलो, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा बीच में जो हमने गैप छोड़ा हुआ था उसमें हम नहीं डालेंगे कॉटन, ये बच्चे की नेक के नीचे आता है। ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके चारों तरफ एक पाइपिंग लगा देंगे, इससे ये अच्छा भी लगेगा और जो सिलाई है ओपन दिख रही है वो भी कवर हो जाएगी। अब इसको हम अंदर की साइड मोड़ देंगे और चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हो गया है हमारा बेबी पिलो तैयार, जो आपको मार्केट में ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलेगा। आप इसको परफेक्टली घर पे इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे दूसरा। उसके लिए ये डबल कपड़ा लिया है मैंने और उससे एक छोटे साइज़ का प्लेट लिया है, जो लगभग 10 इंच का रहता है। अब बीच में हम डालेंगे एक थैली, ये मैंने आटे की थैली में से कट किया है, और दोनों कपड़ों के बीच में इसको रख करके बाहर से सिलाई लगा लेंगे। एक बीच में सिलाई लगा सकते हैं आप, जिससे थैली इधर उधर खिसके नहीं। अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 पे एक निशान और इसको इस तरीके से मिला देंगे और ये जो कपड़ा है अब इसको कट कर देंगे। फिर से हम एक कपड़ा लेंगे 1.5 इंच का चौड़ा, जिसको डबल करके पाइपिंग के तौर पे हम इसमें लगाएंगे। इसको अटैच करने के बाद अंदर की साइड मोड़ देंगे। पहले छोटे छोटे कट लगा लें, इससे अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है। अब हम 12 इंच लंबी एक पट्टी और लेंगे, बिल्कुल सेंटर में उसको जोड़ लेंगे और फिर इसको पतली डोरी की तरह सिलाई लगा देंगे। ये हो गई हमारी बेबी बिब। बच्चे को छोटे को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो निकालता है, इससे बेबी के कपड़े गंदे नहीं होते हैं। अब हम बनाएंगे तीसरा आइटम। इसमें भी हम एक कपड़ा लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे उसको। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच और लंबाई ली है 13.5 इंच। सेम उसी साइज़ का हम एक और पट्टी लेंगे और उसको अटैच कर देंगे एक दूसरे के ऊपर। और इसके बाद हम एक कपड़ा और लेंगे, ये 2 इंच चौड़ा मैंने लिया है, एक साइड में अटैच कर लिया है और दूसरी साइड में हम इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे कि फ्रिल वगैरह होती है। अब हम इसको बीच में से सिल देंगे, इसकी ये सिलाई हो गई है। अब लेंगे हम एक सुई और धागा और इसको ऊपर से ऐसे टांका लगाएंगे, धागे को खींच लेंगे जिससे ये बीच में एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा।
और जो इसका उल्टा साइड है, जिस दर साइड में सिलाई गई हुई है, उस साइड में इसको अच्छे से सुई धागे से सिल देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। ऊपर में आप या तो कोई फ्लावर लगा दें, मैं यहाँ पे एक शो बटन लगा रही हूँ। ये बटन मैंने खुद बनाए हुए हैं, फैब्रिक बटन के नाम से मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल में अंदर जा कर के देख सकते हैं। ये हो गया बेबी कैप, जो हल्की ठंडी में या फिर बारिश के मौसम में आपके बच्चे के बहुत काम आने वाला है। अब हम लेंगे फोर्थ नंबर का। इसमें मैंने 10 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई ली है। कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से 1 इंच पे दोनों साइड में छोटा छोटा सिलाई लगाएंगे। अब इसको जैसे हम सलवार में ऊपर की तरफ नाड़ा डालने के लिए कपड़े को मोड़ते हैं, वैसे मोड़ करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं। इसके बाद हम साथ में नीचे की सिलाई भी लगा देंगे। अब इसको दोनों साइड में इस तरीके से करेंगे और जो कॉर्नर आ गया है, दोनों कॉर्नर को 0.5 इंच तक सील देंगे। अब हम करेंगे इसको सीधा और एक पतली सी डोरी लेंगे, सेफ्टी पिन में डाल करके यहाँ से नाड़े की तरह डाल देंगे डोरी को। ये हमने बनाया है बोतल का कवर। कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे की बोतल ओपन रहता है, अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैंने कवर बनाया है। इस तरीके से आप इसको साथ में कैरी कर सकते हैं। जब बच्चे को दूध पिलाना हो तो इसको ढक्कन हटाएं, कवर को नीचे करें और आराम से बच्चे को दूध पिलाएं, फिर से ढक्कन लगा दें और एक कवर को ऊपर खिसका के इसको बंद कर दें। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बहुत ही यूज़फुल है। अब 16x13 इंच का एक कपड़ा और लेंगे हम। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे, जिधर से ओपन है उस साइड में। अब सेंटर में हम निशान लगाएंगे, ये 4 इंच नीचे की साइड रहेगा और 5 इंच जिधर से कपड़ा ज्वाइंट है उस साइड से। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। अब नीचे की साइड में हम लगाएंगे 3 इंच पे और इन सभी डॉट्स को आपस में मिला देंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे और सेम साइज़ का एक दूसरा कपड़ा और कट करेंगे। अब फिर इसके चारों तरफ कपड़े की पट्टी लगा देंगे, एक पाइपिंग की तरह लगाएंगे इसमें भी। अब ये जो कॉर्नर में सिलाई के बाद थोड़े कॉर्नर बाहर रह गए हैं, उनको काट देंगे। इससे फोल्ड करते टाइम अच्छे से फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। अब हम पाइपिंग कपड़े को दूसरी साइड में फोल्ड करेंगे और चारों तरफ से बराबर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट है। अब हम नीचे की साइड से 1-1 इंच नीचे दोनों साइड में निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक चिट बटन अटैच करेंगे। ऊपर वाले को लगा के देख लेंगे कपड़े को कहाँ पे आ रहा है, तो वहीं पे हम इसका दूसरा हिस्सा अटैच करेंगे। और ये हो गया है हमारा वॉशेबल बेबी डाइपर। ये 6 महीने के बच्चे के लिए था। ये देखिए, अब आप पांचों आइटम देख लीजिए, बच्चे के बेबी बिब हो गई, पिलो हो गया, कैप, बोतल कवर और बेबी डाइपर। आप इनको इसी तरीके से बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।